पांच साल का बच्चा पहुंचा हाईकोर्ट, योगी सरकार को देना पड़ा जवाब, मामला जान, जनता के होश उड़ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता। यूं तो उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में बेहतरीन काम कर रही है, प्रदेश की महिलाएं सुरक्षा लिहाज से काफी खुश हैं, देश का युवा रोजगार के लिहाज से खुश है, बुजुर्ग हो, किसान हो या फिर लगभग हर तबका अपने अपने हिसाब से सरकार के कामकाज से खुश दिख रहा है। तभी तो दूसरी बार भी योगी को ही सीएम की गद्दी पर विराजमान कराया। योगी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब तो लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत की सारी जिम्मेदारी भी योगी को ही दे दी गई है। माना जा रहा है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों को बीजेपी के खाते में लाने का जिम्मा योगी के पास है। लेकिन इन सब के बीच जरा सोचिए, यूपी का एक 5 साल का एलकेजी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हाईकोर्ट पहुंच जाए और मामला ऐसा तूल पकड़े कि योगी सरकार को हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ जाए तो क्या हो? सोचकर आपको थोड़ी हैरानी हुई होगी, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। मामला कानपुर का है, जहां पर महज 5 साल के बच्चे ने योगी सरकार के पसीने छुड़ा दिए। दरअसल कानपुर नगर में चिड़ियाघर के पास आजाद नगर मोहल्ला है। इस मोहल्ले में सेठ एमआर जयपुरिया नाम का एक स्कूल है, जिसमें अथर्व दीक्षित एलकेजी क्लास में पढ़ता है। अथर्व को दिक्कत ये है कि स्कूल से महज 20 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका है। अब नियम के हिसाब से तो सरकारी ठेका सुबह 10 बजे खुलना चाहिए, लेकिन अक्सर ये ठेका सुबह 6 से 7 बजे के बीच खुल जाता है, और खासकर तब जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, नियम तो ये भी कहता है कि स्कूल के 50 मीटर के दायरे में कोई भी शराब का ठेका नहीं हो सकता। अब चूंकि ठेका खुलता है तो शराबियों का, शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों का अंबार लग जाता है। 5 साल का बच्चा अथर्व इसी से परेशान है, और इतना परेशान हो गया कि पहले तो उसने अपने परिवार से इसकी शिकायत की। जब परिवार ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उसने अपने परिवार से साफ कह दिया कि वो इस पर कोई केस करना चाहता है। सोचिए, 5 साल का बच्चा इतना दिमाग लगा पाया कि उसने अपने परिवार के सामने दो टूक कह दिया कि मुझे इसकी शिकायत करनी है। अथर्व के बार बार फोर्स करने पर उसके परिवार ने कानपुर के अफसरों से इस संदर्भ में मुलाकात की, कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। परिवार ने सीएम ऑफिस में भी कई बार चक्कर काटे, गुहार लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। दलील वहां से ये आ गई कि स्कूल अभी अभी खुला है, जबकि ठेका 30 साल पुराना है। थक हार कर अथर्व और उसका परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और वकील की मदद से एक जनहित याचिका लगाई गई है। याचिका पर सुनवाई हुई और इस पर अब योगी सरकार से जवाब मांगा गया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि स्कूल खुलने के बावजूद साल दर साल ठेके का नवीनीकरण कैसे हो रहा है। बहरहाल अब देखना होगा योगी सरकार इस मामले पर क्या जवाब देती है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर।